YouTube तुम्हारे गली या मेरे गली से पैदा नहीं हुआ है, YouTube एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। YPP का सबसे बड़ी बात यह है कि आप YouTube का पार्टनर बने हैं, आप भी बने हैं, मैं भी बना हूं। आपके पास जितनी करोड़ों सब्सक्राइबर हो ना क्यों, आप किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में जा नहीं सकते। नमस्कार, जोहार, आप सभी को स्वागत करता हूं, मैं नूरुल इस्लाम। देखिए दोस्तों, आज की जो मीम्स है, इस मीम्स में आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, यानी कि जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, आप सबों के लिए आज की वीडियो नहीं है। आज की वीडियो एक रिप्लाई है उन लोगों के लिए, जिन लोग चंद लोग हैं जो पथभ्रष्ट हुए हैं एक दो आदमी के चलते, जिन लोगों को प्रलोभन दिया गया है आईटी सेल की, उनके लिए ये मीम्स है। और जो इक्का दुक्का है अपनी फायदा लेने के लिए, निरीह आदिवासियों के कंधे पे पैर रख करके कूदना चाहते थे, उन लोगों के लिए जवाब है। उनकी बातों में गिर के कुछ अच्छे यूट्यूबर कुछ गलतियां कर बैठे हैं, इसलिए मैं उन्हीं के जरिए आप तमाम जो यूट्यूब को अपना प्रोफेशन या यूट्यूब को अपनी शौक या यूट्यूब का व्यूअर्स हैं, आप सबों के लिए तगड़ा जानकारी लेके आया हूं। वीडियो पहले से अंत तक वो देखें जिनके लिए आज की वीडियो जरूरत है। आप यूट्यूबर 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 ये शब्द को जान लीजिए कि आप YPP के अंदर जाते हैं। Y फॉर यूट्यूब, P फॉर पार्टनर, P फॉर प्रोग्राम। YouTube पार्टनर प्रोग्राम के अंदर जिन लोग जाते हैं, यानी कि आपकी फोन वेरीफाइड है, आपकी वॉच टाइम हो गई है, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करके अपनी वीडियो को मोनेटाइजेशन में भेजे हैं, आपके लिए बहुत सारी आईन कानून YouTube अपनी हर साल चेंज करता रहता है। जैसे कि 2023 का नया जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन को बेहतरीन तरीकों से आप लोगों को जान लेना जरूरी है। चंद गलतियां मेरे जो मीम्स लेके मैं काम करता हूं, मेरे विरोध में कुछ चैनलों को खड़ा करा गया था, उन लोगों के लिए एक जानकारी दे देता हूं। देखिए, कल मुझे ये मत कहिएगा कि इन्होंने स्ट्राइक दिया, इन्होंने हमारे चैनल हैक किया, ये सारी इल्जाम मत दीजिएगा। पहले समझ लीजिए YPP का मतलब क्या होता है, क्यों इसे YPP कहा जाता है, YouTube पार्टनर प्रोग्राम। आपने 1000 सब्सक्राइबर बना दिए, 4000 घंटा या फिर जो भी आपका जो गाइडलाइन के हिसाब में शॉर्ट्स के लिए बना रहे हैं या लॉन्ग के लिए बना रहे हैं, आपने अपनी चैनल को बना लिए, या तो फिर बनाने के लिए एक चैनल ओपन किए हैं और आपकी फ़ोन वेरीफाइड है, उनमें से दूसरे आईडी से आप जा कर के किसी को गाली गुलज कर रहे हो, ये कम्युनिटी की गाइडलाइन को स्ट्राइक कर रहा है यूट्यूब की। अब YPP को याद रखिए, मैं बता दे रहा हूं भाई साहब, YPP का सबसे बड़ी बात यह है कि आप YouTube का पार्टनर बने हैं, आप भी बने हैं, मैं भी बना हूं। ये YouTube किसी गली से नहीं बना है, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उनमें से आप टिपिकली किसी लैंग्वेज के लिए काम कर रहे हो, यूट्यूब नहीं कर रहा है, उसकी पार्टनर कर रहा है। अब बात आ गया यहां पर कि आपने किसी और एक पार्टनर जो YouTube के पार्टनर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, पार्टनर, पार्टनरशिप की वायलेंस नहीं कर सकते हो आप अपनी चैनल में अगर और एक पार्टनर और एक यूट्यूबर के बारे में गाली गुलज कर रहे हो या उसका रहे हो, भड़का रहे हो कि उसकी चैनल मत देखो, तो आपकी चैनल पे YouTube कार्रवाई करेगी। आप जितने भी बड़े यूट्यूबर हो ना क्यों, आपके पास जितनी करोड़ों सब्सक्राइबर हो ना क्यों, आप किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में जा नहीं सकते। ये मानविकता के दृष्टिकोण से आप अगर पार्टनर हैं किसी प्लेटफॉर्म में, YouTube एक ऑनेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका एक एप्लीकेशन है, वो अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन बना के रखा है, हर पार्टनर को इक्वली वो देखता है, उसके नज़र में कोई यूट्यूबर छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बल्कि जो बड़ा है उसको फंड्स देना पड़ता है, रेवेन्यू देना पड़ता है,
वो कांटा हो सकता है लेकिन छोटे नहीं है। YouTube के प्लेटफॉर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसीलिए कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गलत भला रोस्टिंग के नाम में या फेयर कंटेंट के नाम पे अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि YouTube जिन जिन लैंग्वेजों को अपनी प्लेटफॉर्म में जगह दिया है उस लैंग्वेज की एक्सपर्टों को अपने पास रखा हुआ है। आप अगर सांताली भाषा में किसी को भी गाली गुलज करते हो और रिपोर्ट होता है, तो जिन लोग बैठे हैं सांताली भाषा को समझने के लिए YouTube में जॉब करते हैं, उन लोग सारना धर्म से भी हो सकता है, उन लोग ईसाई धर्म से भी हो सकता है, उन लोग मुसलमान धर्म से भी हो सकता है, उन लोग हिंदू धर्म से भी हो सकता है। धर्म मायने नहीं रखता है, भाषा मायने रखता है। YouTube तुम्हारे गली या मेरे गली से पैदा नहीं हुआ है, YouTube एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसकी YPP पार्टनरों के अगेंस्ट में अगर बात करने जाओगे तो फिर आप मुसीबत को अपने सर में लेके जाओगे। कॉपी राइट स्ट्राइक अलग बात है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अलग बात है। मैं जोड़ हस से मेरी अपनी स्टाइल से बोल रहा हूं कि कोई YPP पार्टनर दूसरी YPP पार्टनर के बारे में अनाप शनाप गलत बात मत करो। YouTube को खुद को मालूम है उसकी पार्टनर कौन हो सकता है, किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छा है, किसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छा है, कि किसको कहने की अच्छा है, कौन पॉडकास्ट के लिए फिट है, कौन पॉडकास्ट के लिए फिट नहीं है, सब कुछ उसको मालूम है भाई। दूसरे मुद्दे को आ जाइए, तिलका मांझी जरूरत नहीं है अभी। यहां पर ही अंग्रेजों के विरुद्ध में नहीं लड़ रहे हो आप एक सिस्टम के विरुद्ध में लड़ रहे हो। आपको सिस्टम से अपने हक चाहिए। आपने स्वाधीनता संग्राम खत्म कर दिए, जो है अपने हैं, उनके लिए तिलका मांझी शब्द अच्छा नहीं है। अच्छा, आप लोग जानते हो कि एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी को आज भी क्रिमिनल कम्युनिटी के आख्या दे के रखा गया है इस स्वाधीन भारत में, जो अंग्रेज के जमाने में डिक्लेयर हो चुके थे कि उन लोग क्रिमिनल हैं, आज भी उन लोगों के सर से वो दाग मिटा नहीं है। क्रिमिनल अप्रोच YouTube ग्रहण नहीं करता, किसी भी तरह की वायलेंस YouTube ग्रहण नहीं करता। आपके पास अगर मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर हैं तो हो सकता है हमारी पहचान में ट्रिलियन ट्रिलियन वाले, ट्रिलियन में कितना जीरो होता है पूछा गया था एक जगह में, मालूम होगा, चलो वो भी मालूम नहीं है, उनके साथ मेरी भी पहचान हो सकता है। कृपा करके जिनके चैनल में किसी YPP पार्टनर के विरुद्ध में अगर कोई वीडियो है उसे प्राइवेट कर दें दयापूर्वक।